कन्हान नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले काली मंदिर से लेकर सत्रापुर होते हुए खंडाला घटाटे तक 29 करोड़ की लागत से बनने वाले रोड को लेकर शिवसेना के द्वारा विकास में विपक्ष के द्वारा राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। इस रोड निर्माण को लेकर जहां विपक्ष एकमात्र कंपनी के लिए 29 करोड़ की लागत से रोड बनाने को लेकर उग्र मुद्रा में आ चुके हैं, वहीं पर शिवसेना के उपजिला प्रमुख वर्धराज पिल्ले, कन्हान नगर परिषद अध्यक्ष करुणा आष्टनकर तथा शिवसेना के प्रेम रोडेकर ने विपक्ष पर सस्ती राजनीति करने का आरोप लगाकर इस रोड निर्माण होने के बाद होने वाले लाभों को गिनना शुरू कर दिया है। अभी जो रीता इंडस्ट्री के सामने से जो रास्ता जा रहा है, जिसको सम्माननीय हमारे आमदार साहब आशीष जायसवाल जी ने 28 करोड़ रुपए दिया है, ये कंपनी के फेवर में दिया, ऐसा जो पेपरबाजी हो रही है वो सरासर झूठ है। जो पांदन होती है ये कोई आज के पहले ज़माने में पांदन बांस से होती थी, तो वो 6 बांस की पांदन है, आज की पांदन नहीं है, वो कई सालों से तैयार हुई पांदन है, लेकिन वो पांदन ढूंढने में खंडेलवाल ने अपने इस पर दबा के रखा था। वो आमदार साहब ने मेहनत कर जिलाधिकारी, तहसीलदार और भूमापन अधिकारी को बुला के वो रास्ता खुला किया, तो ये एक रास्ता जहाँ ये आमदार साहब के सोच से नए नए उद्योग आएंगे। हमारी इच्छा है कि सारे गांव का बेरोजगारी में, ये गांव में कोई रोजगार नहीं है, हर आदमी कंडक्टर, ड्राइवर, लेबर करके काम में जाना पड़ता है। तो हमारी यही है आमदार साहब से और एक निवेदन है कि जो भी कंपनी आएंगी वो स्थानीय मौजा सिहोरा में लगती है, तो सिहोरा के ही लोग पहले प्राधान्य में नौकरी लगना चाहिए। 250 करोड़ की लागत से एक वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर भी स्थानीय विधायक एडवोकेट आशीष जायसवाल के प्रयत्नों के 29 करोड़ की लागत से खनिकर्म विकास महामंडल की निधि से इस रोड का निर्माण किया जाना है। रोड निर्माण प्रकरण में शिवसेना उप जिला प्रमुख वर्धराज पिल्ले के अनुसार इस क्षेत्र में जल्द ही MIDC को लेकर प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कनान को सिवरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। सिवरा की तरफ से हर किसी ने नज़रअंदाज किया है, लेकिन स्थानीय आमदार आशीष जायसवाल साहब ने इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा फेरबदल किए। खंडेलवाल का जो जमीन है पूरा, इसी चीज़ को लेकर दो मीटिंग आमदार साहब यानी जायसवाल साहब की मीटिंग दो बार हो चुकी है, और बहुत जल्दी अच्छा कुछ तो भी निर्णय होने वाला है, जिससे कनानी ने सिवरा के आसपास के जितने भी गांव हैं ये सब लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। या क्षेत्राचे आमदार आशीष जी जायसवाल यांनी खनिजकरण विभागातून या शिवरा गावासाठी आणि खंडाळा घटाटे 28 कोटीचे जे नियोजन केलेले आहे, विरोधी पक्षांनी याला फेटाळलेलं आहे। या गावामध्ये अनेक वर्षापासून रोजगार नाही, रोड नाही, रस्ता नाही, लाईट नाही, बस सुविधा नाही, आणि विरोधांनी आपली भूमिका दाखवली की या गावाला रोड, रस्ता, रस्त्यानेसुद्धा त्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळलेला आहे। तर मला असं म्हणायचं आहे की आपल्या कन्हान नगरीसाठी आज एकमेव जागा हा शिवराला आहे, आणि इथं इंडस्ट्री आल्याने कन्हानचे अनेक बेरोजगार मुलं यांच्या हाताला काम लागेल, आणि या गावाला सुद्धा येण्याजाण्यासाठी सुविधा होईल, आणि या गावाचे भी जे अनेक लोक मुलं आहे त्यांना सुद्धा रोजगार मिळेल। NBC न्यूज के लिए कन्हान से विमल त्रिपाठी की रिपोर्ट।